बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा में एक तरफ बिखराव का दौर है तो दूसरी तरफ संगठन को समेटने की राजनीति। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जेवीएम छोड़ बीजेपी या दूसरे दलों का दामन थामने वालों की लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। जेवीएम के अंदर यह भगदड़ कब रुकेगी यह कोई नहीं जानता। बात चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा की करे या युवा मोर्चा की, कोषाध्यक्ष की करे या प्रवक्ता की, हर कोई बाबूलाल मरांडी और जेवीएम से खुद को दूर कर रहा है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी संगठन को समेटने के लिए खुद मैदान में उतर पड़े हैं। उनके अनुसार राज्य सरकार की विफलताओं के दंगल में बीजेपी को परास्त करने की जरूरत है, न कि बीजेपी के द्वारा तैयार की गई दंगल में कसरत करने की। टीम बना करके वहाँ के जिला अध्यक्ष से बात करके, या उनकी ओर से नाम आता हो या फिर अपने ओर से भी अगर कोई लगता है सक्रिय है तो जिला अध्यक्ष से उसको मिला करके और फिर हमें कमेटी को बना लेनी है। तो जो भी जिला में कमेटी नहीं बनी है तो हम जरूर चाहेंगे कि आपको ये एक सप्ताह के अंदर भी इस काम को पूरा कर लेना। एक सप्ताह से अधिक होगा तो आप समय नहीं है। तो लगता है कि जैसे कुछ कुछ पदाधिकारी जो शिथिल हो गए या कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, तो हमें लगता है कि उसको हमें इस वक्त भरपाई करना, उसमें कोई बहुत अधिक इधर से उधर हमें करना नहीं। बाबूलाल मरांडी की नजर झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करने वाले युवा मतदाताओं पर है। जेवीएम प्रधान कार्यालय में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह के नाम की घोषणा की। भूपेंद्र सिंह हाल ही में जेवीएम से नाता तोड़ने वाले उत्तम यादव की जगह लेंगे। झारखंड विकास मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए युवाओं की बड़ी फौज तैयार करने का संकल्प लिया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा और पूरे झारखंड में युवा मोर्चा को पूर्ण रूपेण सशक्त करूंगा, क्योंकि आने वाला वर्ष क्या कुछ महीनों में ही हम लोग चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं और युवा मोर्चा अपनी दमदार उपस्थिति के साथ में झारखंड के नव निर्माण में एक मजबूत स्थिति दर्ज करेगी। झारखंड में चुनावी आहट के बीच जेवीएम की राजनीतिक बेचैनी को समझा जा सकता है। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के लिए महागठबंधन में प्रवेश कर पाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा एकला चलो की राजनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना। राजनीति के इसी अंत द्वंद के बीच बाबूलाल मरांडी और उनकी पार्टी जेवीएम फंसी है। रांची से कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज 11 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।